हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में। और मैं रविरंजन आज आप लोगों को बताने जाने वाला हूँ टॉप 20 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया के बारे में। इसे आप आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस रन कर सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इन सारे बिजनेस आइडिया को आप काफी कम पैसे में स्टार्ट कर सकते हैं। इन सारे बिजनेस में फ्रेंचाइजी ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आप किसी का भी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो वो आपको कच्चा माल प्रोवाइड करते हैं और आपको रेडीमेड माल जो है उनको वापस देना पड़ता है। जितना ज्यादा आप प्रोडक्शन अपना करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट गेन होगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन पे आता है बॉल पेन रिफिल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो है एक काफी डिमांडिंग बिजनेस है। इसकी रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है और ये काफी लो कॉस्ट बिजनेस है। सेकेंड नंबर पे आता है टॉय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, स्मॉल और लार्ज स्केल पे इसे आप स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केट में इसकी डिमांड हमेशा रहती है। थर्ड नंबर पे आता है प्लास्टिक बोतल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ऑल टाइप ऑफ फूड, कोल्ड ड्रिंक और केमिकल इंडस्ट्री को इस टाइप की बोतल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये भी प्रॉफिटेबल बिजनेस बन सकता है। फोर्थ नंबर पे आता है फाइल फोल्डर एंड एनवेलप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसकी रिक्वायरमेंट स्कूल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, कॉर्पोरेट हाउस में काफी ज्यादा होती है। ये काफी लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। स्टेशनरी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, कलर पेन, नोटबुक, कंपास, इरेजर, ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट स्टूडेंट और टीचर को होती है। इसकी डिमांड अच्छी होने के कारण ये भी प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है। पेपर कप एंड प्लेट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पार्टी, फेस्टिवल या फिर स्टोर पे इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। इसे घर से भी स्टार्ट किया जा सकता है। सैनिटरी पैड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इसमें आपको किसी बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएट होना है और जितना ज्यादा प्रोडक्ट आप उनको बना के दोगे आप उतना अधिक रेवेन्यू जनरेट कर पाओगे। बटन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, गारमेंट इंडस्ट्री में इसकी काफी हाई डिमांड होती है और हाई डिमांड एंड लेस कॉम्पिटिशन की वजह से आप इसको मार्केट में भी अच्छे प्राइस में बिक्री कर सकते हो। टॉयलेट एंड टिश्यू पेपर मैन्युफैक्चरिंग, घर, ऑफिस, मॉल, दुकानें, हर जगह इसकी डिमांड होती है, तो इसीलिए ये बिजनेस भी प्रॉफिटेबल बिजनेस साबित हो सकता है अगर इसमें आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। एयर क्लीनिंग बर्ड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आसानी से सेल हो जाता है मार्केट में और इसे घर से भी स्टार्ट कर सकते हो काफी कम पूंजी में। बायोडिग्रेडेबल बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, प्लास्टिक बंद होने की वजह से इस प्रोडक्ट की डिमांड काफी हाई है और लो इन्वेस्टमेंट में ये एक अच्छा बिजनेस है जो अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकता है। पापड़ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, पापड़ की डिमांड मार्केट में भी काफी ज्यादा है, हर घर में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ये इजी टू सेल प्रोडक्ट है, काफी लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है इस बिजनेस को। इलेक्ट्रिक वायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ये एक काफी प्रॉफिटेबल और हाई डिमांड प्रोडक्ट है। इसको आप स्मॉल और लार्ज स्केल दोनों तरीके से कर सकते हैं, या तो किसी फ्रेंचाइजी लेके या फिर अपना इंडिपेंडेंट भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्नैक्स फूड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, आज के डेट में लोग इससे रुपए कमा रहे हैं। आप इसे छोटे या बड़े स्केल पे स्टार्ट कर सकते हैं और आपको फोकस करना है क्वालिटी, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, क्वांटिटी के ऊपर से आप काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। जींस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, न्यू स्टाइल के जींस मार्केट में हमेशा डिमांड में रहती है, आप इसको बना के सेल कर सकते हो और होलसेल मार्केट में भी सेल करके अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बोल्ट्स एंड नट्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, इसकी डिमांड ऑटोमोबाइल से लेकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हर जगह पे रिक्वायरमेंट होती है। इसमें जो है किसी ब्रांड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप विदाउट ब्रांड भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। एल्युमिनियम फैब्रिकेशन बिजनेस, ये मटेरियल काफी हल्का होता है और इसके विंडोज, डोर, रूफिंग, स्ट्रक्चर और रेलिंग की काफी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है मार्केट में और ये काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी है। शूज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, मार्केट में न्यू स्टाइल के शूज की हमेशा डिमांड रहती है और इस बिजनेस को थोड़ी लागत से भी स्टार्ट किया जा सकता है और ये एक हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्राफ्ट आइटम मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन है तो ये बिजनेस आपके लिए है। लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया जा सकता है और इसकी डिमांड काफी हाई होने की वजह से प्रॉफिट मार्जिन भी काफी हाई होता है इसमें। स्कूल और बैग मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो है काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, आप इसे छोटे और बड़े स्केल पे स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेलर या डायरेक्ट स्कूल को भी बल्क में सप्लाई देके प्रॉफिट अपना कमा सकते हैं। ये थे टॉप 20 मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया, इसे आप काफी आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा, उससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो में इतना ही। सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद।